For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. ये कस्टडी केस सिर्फ और सिर्फ कायरव का कस्टडी केस नहीं है, बल्कि इस कस्टडी केस के शुरू होने के साथ ही ये बात भी क्लियर हो गई है कि अब शायद कार्तिक और नायरा के रास्ते कभी एक ना हो पाए। कार्तिक ने ये फैसला कर लिया है कि वेदिका के साथ अपनी शादी को निभाएगा वो। तभी तो वेदिका के कहने पर इस कस्टडी केस तक पहुँच गया है कार्तिक। वेदिका ने ही कहा था कि अगर हम दोनों के बीच कायरव रह सकता है तो नायरा नहीं रह सकती है, और इसलिए उसे तो हमसे दूर होना ही होगा, जिसका तरीका सिर्फ एक है, कस्टडी। अब इस कस्टडी केस की शुरुआत वेदिका की वजह से हुई है तो जाहिर सी बात है कि वेदिका कार्तिक के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, और अगर वेदिका कार्तिक के लिए इम्पोर्टेंस रखती है तो फिर तो नायरा से दूर होना उसका बिल्कुल तय है। हम आपको बता दें कि जहां ये कस्टडी केस शुरू होगा वहीं पर नायरा कार्तिक का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और इनके रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे हाथ सिर्फ और सिर्फ वेदिका का रहने वाला है। यहाँ पर ये दोनों भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन इस टूटे हुए रिश्ते का बोझ जिंदगी भर कायरव को उठाना पड़ेगा, और इस बात को पूरा परिवार भी समझ रहा है, लेकिन क्या खुद कायरव के माँ बाप इस बात को समझ पाएंगे? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।